मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए जगन्नाथ महाप्रभु की जय। प्रिय श्रोतागण, यार पूर्ववर्ती अध्याय रे आमे आलोचना करथले जैमिनी की पचारिंट प्रश्न तक शिष्य मैने कहले कौन पे जगन्नाथ भारत बर्ष भितर उत्कल प्रांत को बाछले से नीलमाधव रूप से भक्त को दर्शन दवापाई। जैमिनी कहते जे प्रकृत उत्कल गोटे पवित्र देश आमे आम ओडिशा इतिहास जाणीचे कथा टिके आमे आलोचना पूर्वपुर करुले कहीं जगन्नाथ उत्कल रही अनेक कारण तार अच्छी आमे किसी कारण आलोचना करवा। आज आम उत्कल जो खंड विखंडित अवस्था देखुचे आगु उत्कल ये ना इतिहास कहे गंगा ठार गोदावरी पर्यंत ये व्याप्त थिला। ओडिशार वीर सम्राट खारवेल से बहुराज्य जय करथिले। आम पुराण मानक अच्छी कलिंगा साहसी नह कलिंगर लोक मैंने बड़ साहसी थे हजार हजार संख्यार अशोक द्वारा हणा खाई एम सहजरे युद्ध रु ओहरी जा नथिले। आम जानचे दया नदी पा कलिंग वीर मान रक्त लाल हो जाता तेब आम पूर्वपुरुष मैंने इतिहास कहि पुराण कौन कहि पुराण कहि कलिंग कौ भाया देश था उत्कल कौ भाया देश था उड्र देश कौ भाया देश था यार तो बहुत पुराणा ना अच्छी ओडिशा बोली आम जहाँ कहचे ये तापर तो आहरी कहा जाए जे अंग बंग कलिंग ये तीन टाक मिसिक गोटे प्रदेश था एवं बंग प्रदेश अलग हो जाए किंतु एकदा दाक्षिणात्य आरंभ कर हुगुली नदी पर्यंत एडे उत्तर भारत पर्यंत कलिंगर वीर साहसी राजा माने ये सब राज्य जय करते। आम श्रीमंदिर इतिहास जानू जो सुना बेश भगवान को हुए जिते गजपति मैंने राज्य जय करी सुवर्ण नहीं भेटी दिखती जगन्नाथ को सी सब एत सुना कौन हम कहते प्रभु गोटे सुना बेश करवा सी जो भगवान सुना बेश हुए तेज जैमिनी कहते कह शुण कौन पर उत्कल रहा जगन्नाथ कौन पर नीलमाधव रूप से रही अन्य क्षेत्र को न बाछिकी कौन पर कले उत्कला नाम देशस्ती ख्यात परम पावनम जत्र तीर्थान्यनेकानी पुण्यान्यायतना च कले परम पावन अति पवित्र स्थान ये एटी अनेक पुण्यान्यानी अनेक पुण्य तीर्थ क्षेत्र सब ये रही जत्र तीर्थान्यनेकानी ये गोटे तीर्थ केवल ना अनेक तीर्थ रही आपण देखिए ये कलिंग तीर्थ मानक समाहार अनेक तीर्थ ये अच्छा अन्य जगह गल तो आप गोटे अधे तीर्थ देखिए गोटे जगार धाम देखिए तीर्थ धाम सब ये अच्छी कलिंगर आमर पुराण मानक विरजा मंडल कथा अच्छी आम पुराण मानक अच्छी भुवनेश्वर लिंगराज मंदिर कथा कोटिलिंगेश्वर कथा अच्छी पुराण मानक बहु वर्णना रही केते तीर्थ थिला एबळिया केडे पुण्यतम भूमि ये थिला परम पवित्र देश एक अच्छी जैमिनी जहाँ संस्कृत कही तार आक्षरिक ओडिया अनुवाद कहले परम पवित्र देश एक अच्छी उत्कल नाम रे ख्यात अनेक तीर्थ नद दिशागरे होई अच्छी सुशोभित अनेक तीर्थ नद नदी सागरे होई अच्छी सुशोभित अष्टादश विद्यारे पारंगत जागिक भूसुरे हो अष्टादश विद्यारे कले ओडिशार जो जागिक ब्राह्मण माने थिले भूसुर माने थिले एमाने अष्टादश विद्यारे पारंगम थिले ए भलिया जागिक ब्राह्मण सब ओडिशार आगुरु रहितिले आ ओडिशार लोक मानकर कौ ठाकुर को से मानुले कले सर्वे वैष्णव
ସତ୍ୟବାଦୀ ନର ସର୍ବେ ପିତୃ ମାତୃ ସେବି ଆଦି ବ୍ୟାଧି କ୍ଲେଶ ରହିତ ବି ନଈ ଲଜ୍ଜାଶୀଳ ଭକ୍ତି ଜୀବି ତହିଁ ସଦା କମଳା ଗୃହେ ଗୃହେ କରୁଛନ୍ତି ଖେଳାରେ ତହିଁ ସଦା କମଳା ସର୍ବେ ବୈଷ୍ଣବ ସତ୍ୟବାଦୀ ନର ଉତ୍କଳର ଲୋକମାନେ ସତ କଥା କୁହନ୍ତି ସମସ୍ତେ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ ସମସ୍ତେ ପିତୃମାତୃ ସେବି କେତେ ସଦ୍ଗୁଣ ଥିଲା ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଆଉ ଆଦିବ୍ୟାଧି କ୍ଲେଶ ରହିତ ଏ ଦେଶ ଆଉ ଲୋକମାନେ ବିନୟୀ ଲଜ୍ଜାଶୀଳ ଭକ୍ତିଜୀବୀ ଭକ୍ତିଜୀବୀ ମାନେ ଭକ୍ତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ସେମାନେ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ ବଡ଼ ଭକ୍ତ ସବୁ ଥିଲେ ଆଉ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏଇଭଳିଆ ସୁନ୍ଦର ସ୍ଥାନରେ ସବୁଦିନ ଖେଳାଳିଳା କରନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଏ ଉତ୍କଳ ନାରୀମାନେ କେମିତି ଥିଲେ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ କହୁଛନ୍ତି ଉତ୍କଳ ନାରୀମାନେ କେମିତି ଥିଲେ କହିଲେ ନାରୀ ଗଣପତି ବ୍ରତା ଲଜ୍ଜାବତୀ କୁଳଶିଳା ସଦାଚାରୀ ବିବିଧ ଭୂଷଣେ ଭୂଷିତା ବିଶେଷ ପତିଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକାରୀ ଜହିଁ ନରେଶ ଗଣ ଧର୍ମେ କରନ୍ତି ପ୍ରଜା ପାଳନରେ ଜହିଁ ନରେଶ ଗଣ ଉତ୍କଳର ନାରୀଗଣ କେମିତି ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ପତିବ୍ରତା ଥିଲେ ଲଜ୍ଜାବତୀ ଥିଲେ କୁଳଶିଳା ଥିଲେ ସଦାଚାରୀ ଥିଲେ ସବୁବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଭୂଷଣରେ ଭୂଷିତା ହେଉଥିଲେ ଆଉ ସବୁବେଳେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଥିଲା ସେମାନେ ପତିଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକାରିଣୀ ଥିଲେ ଆଉ ଉତ୍କଳର ରାଜାମାନେ ସବୁ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ରାଜା ଛୋଟ ଛୋଟ ରାଜ୍ୟ ସବୁ ଥିଲା ସେ ରାଜ୍ୟର ରାଜାମାନେ କେମିତି ଧର୍ମେ କରନ୍ତି ପ୍ରଜା ପାଳନ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଧର୍ମରେ ସେମାନେ ପାଳନ କରନ୍ତି ଆଉ ଏଭଳିଆ ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରଦେଶରେ କ'ଣ ହୁଏ କହିଲେ ମେଘ ଗଣ ଯଥା କାଳେ ବରସନ୍ତି ନଥାଏ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ତ୍ରାସ ବୃକ୍ଷଲତା ଫଳ ପୁଷ୍ପେ ଭରା ଧରା ଶସ୍ୟେ ପୂରିତ ସେ ଦେଶ ସେ ତ ମହିରେ ସାର ତେଣୁ ଉତ୍କଳ ନାମ ତାହାରରେ ସେ ତ ମହିରେ ସାର ଏ ଦେଶରେ ଏ ଉତ୍କଳ ପ୍ରାନ୍ତରେ ମେଘଗଣ ଯଥା କାଳରେ ବୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ଏଠି ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର ଭୟ ନଥାଏ ବୃକ୍ଷଲତା ଫୁଲ ଫଳରେ ଏ ଧରା ସବୁବେଳେ ପୁରିକିରି ଥାଏ ଏ ମାଟି ପୁରିକିରି ଥାଏ ଶସ୍ୟରେ ସବୁବେଳେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ପୃଥିବୀରେ ଇଏ ଗୋଟେ ସାର ପ୍ରଦେଶ ଥିଲା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦେଶ ଥିଲା ବୁଧେ ବୁଧେ ଏଇ ଯେଉଁ ଶ୍ଳୋକ ଇଏ ଯେଉଁ ମୂଳ ଶ୍ଳୋକ ଏହାର ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣର ଇଏ ତ ଆକ୍ଷରିକ ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ ଏହାକୁ ଅନୁବାଦ କରାଯାଇଛି ବଙ୍ଗଳାରେ ଧନ ଧାନ୍ୟ ପୁଷ୍ପେ ଭରା ଆମାଦେରେ ବସୁନ୍ଧରା ତାହାର ମାଝେ ଆଛେ ଦେଶେ ସକଲ ଦେଶର ସେରା ସେ ଯେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦିଏ ଆମାକେ ସେଇ ଦେଶ ଇଏ ବୋଧେ ସେଇ ମାନେ ଉତ୍କଳ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଯେ ଏ ସ୍ୱପ୍ନର ମାତୃଭୂମି ଆମର ଆମେ କେଡ଼େ ଦିବ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ବାସ କରୁଛେ ଆମେ ଜାଣିନେ କିନ୍ତୁ ଉତ୍କଳର ମହାତ୍ମ୍ୟ କ'ଣ ବ୍ୟାସଦେବ ସମ୍ୟପ୍ରାସ ଆଶ୍ରମରେ ବସି ହିମାଳୟ ଗହ୍ୱର ଭିତରେ ଲେଖିଲେ ଉତ୍କଳ କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଉତ୍କଳକୁ ଦେଖିଲେ ଆଉ ଲେଖିଲେ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରେ ସେହି ସମୟରେ ଉତ୍କଳ ଏହା ଥିଲା ଆଜି ହତଶ୍ରୀ ହୋଇଯାଇଛି ଉତ୍କଳ ଆଜି ଆମ ପାଖରେ ଏସବୁ ନାହିଁ ଆମକୁ ଆମ ହୃତ ଗୌରବକୁ ଫେରାଇବାକୁ ଆଣିବ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କଲେ ତାଙ୍କଠି ମନ ଲଗେଇଲେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମକୁ ଆମର ହୃତ ଗୌରବ ଫେରାଇଦେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ବିଶ୍ୱାସ ମୋର ଅଛି ଆଚ୍ଛା ଉତ୍କଳର ବ୍ୟାପ୍ତି କେତେ ବାଟ ଥିଲା ସେତେବେଳେ କଲେ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାରୁ ଋଷି କୁଲ୍ୟା ଯାଏ ମଧ୍ୟ ମହାନଦୀ ଯାର ଐତିହାସିକମାନେ ସିନା କହନ୍ତି ଗଙ୍ଗାଠୁ ଗୋଦାବରୀ ଯାଏ କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ ରଚନା ହେଲା ବେଳକୁ ବ୍ୟାସଦେବ କହିଲେ କେତେ ବାଟ ଥିଲା ଜୈମିନୀ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ସେ କଥା ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ଭାଷା ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ଭାବ ଜୈମିନୀଙ୍କ ଭାଷା ଭାଷାରେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି କହିଲେ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାରୁ ଋଷି କୁଲ୍ୟା ଯାଏ ମଧ୍ୟ ମହାନଦୀ ଯାର ଦକ୍ଷିଣେ ଚରଣ ଧୌତ ସାଗର
सदा थाए तत्पर भवे भूस्वर्ग एही तुलसी बीरजा क्षेत्र रही रे भवे भूस्वर्ग एही। ये भूस्वर्ग आम आजिकल काश्मीर की भूस्वर्ग बोली कहूँ जदिओ से बड़ सुंदर स्थान आपण निजे जातु थोड़े देखु एत शीत एत बरफ पड़ी साधारण भाव जीवन जापन करवा बड़ कष्ट से तो चलप्रचल लोक कर पारती छस ना पांच मस जो विधानसभा उठी आसे जम्मू को श्रीनगर को बहुत शीत कितु एटी तो शीतोष्ण शीत आम सामान भाव ये अनुभूत हुए आम उत्कल बेस शीत हुए ना कि बेस गरम हुए ना यो एक भूस्वर्ग बोली कहुई आउ किए ये पद्मपुराण भूस्वर्ग स्वर्ग को भूस्वर्ग शब्द को कपि कर जम्मू काश्मीर में लिखिदेव यदि आम मानवाक प्रस्तुत नुहे कारण प्रकृत भूस्वर्ग ये जम्मू काश्मीर भाया बरफ पड़े एत थंडा हुए नहीं काश्मीर भाया तो हिंस्र लोक ये नहांती केवे काश्मीर भल लोक थे एवं तो काश्मीर सब दिन अशांति ओडिशा से एक कथा तो ना एवं शांति प्रिय देश तेणु एक भूस्वर्ग बोली कह स्कंद पुराण अनुसार भूस्वर्ग भारत वर्षरे केवल होउची उत्कल प्रदेश उत्कल देश उड्र देश ये होउची भूस्वर्ग आउ सुवर्ण रेखा ऋषिकुल्या जाए मूल संस्कृत श्लोक है ऋषिकुल्या समासाद्य दक्षिणोदिगामिनिम स्वर्णरेखा महानद्योर मध्य देश प्रतिष्ठित ऋषिकुल्या ठू आरंभ करी सुवर्णरेखा पर्यंत महानदी मझीरे बही जाउची ये जो भूखंड प्रदेश एक उत्कल बोली कह जाए कहे ये कौन कौन आव विविध क्षेत्र कथा अच्छी कहे ये तुलसी क्षेत्र अच्छी केन्द्रापड़े आपण मैंने सब जानते ये बीरजा क्षेत्र अच्छी जाजपुर माँ बीरजा मंदिर अच्छी एत तीर्थस्थान सब अच्छी या भितर तेणु बड़ सुंदर भाव में कहते जयमिनी कहे एत जिन जो अच्छी जगन्नाथ आठ रही कहे ये रही मुंदा करूनी सब तीर्थ मान कि महात्म्य अच्छी बद्रीनाथ धाम महात्म्य अच्छी केदारनाथ महात्म्य अच्छी गंगोत्री महात्म्य अच्छी जमुनोत्री महात्म्य अच्छी आपण के आपण के देखी से जगह को थे जातु थे गले द्वितीय थर आसवाक आपण को साधारण गृहस्थर मन हम नहीं कहीं ना जो रास्ता है बद्रीनाथ को केदारनाथ को एवं तो केदारनाथ को हेलिकप्टर जावाक पड़ी चलिक बड़ कष्ट गोटेपटे पर्वत गोटेपटे नई डाहाण को खसिले नईरे पड़े बाँ गले पर्वत वाड़ी अवस्था सब बेले छाती दड़दड़ हो मरीजी 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 बोली जमुनोत्री की जी अति अणहसारे रास्ता घोड़ा बसिक आपे चलिकी गल तो बड़ कष्ट से पर्वत पर चढ़ी जावा गंगोत्री की आप गले गंगे पुण्य तो या पुत सरला पवित्र नीरा माँ भूमंदाकिन गंगा भितर पा पड़े हाथ कोल मारिज बड़ कष्टाध्य से महात्मा निश्चित भाव रही तीर्थर किंतु उत्कल ना आपण नई खाई भितर पड़वर भय अच्छी ना पर्वत वाड़े हबार भय अच्छी ना कड़े भासी जबार भय अच्छी ना बरफपात भय अच्छी से सब अनिश्चित आप गले फेरबे कि ना ठीक ना मुझे थर केदारनाथ केदारनाथ आम पहुँचिक मंदिर दर्शन कर आसला बेलू मेघ उठेला टी मेघ है केदारनाथ ट्राजेडी पर से जगार तो सब बर्तमान मिलिटेरी वाला बेसी रोच घर फर बेस होन तीन चार वर्ष तलर कथा मुझे आम जा बंकर भितर सब पशिगलु मिलिटेरी वाला वर्षा ये है बरफपात येगला आउ हेलिकप्टर सर्विस बंद हो गला पाग खराब आम बस भगवान को डाकु प्रभु रक्षा कर प्रभु रक्षा कर चार घंटा पर हेलिकप्टर सर्विस चलना वर्षा चलू आप जगन्नाथ धाम को आसतु पुरुषोत्तम क्षेत्र को आसतु चिंता ना जिते बेले आसवे जिते बेले जी राति अधरे आसतु कोई बात नहीं ये यही जो भूस्वर्ग बोली कह जाए किसी रेस्ट्रिक्शन ना कि हिंड्रांस ना कि बाधा ना कि विघ्न ना इच्छा है बड़दाणी बुले इच्छा है समुद्र कूल बसिले हाँ महोदती तीर बसिले तो अति आनंद लगे समस्ते एक अनुभव करती है नुआ कथा किसी कहूँ उत्कल यहाँ वर्णना कर जयमिनी उत्कल लोक मैंने केमती थे उत्कल केमती शस्य होता उत्कल नारी मैंने माँ मैंने सब केमती थे उत्कल राजा मैंने केमती थे यहाँ दिव्य उत्कल प्रदेश आम मैंने सतान हो बड़ गर्व अनुभव करूँ जयमिनी कहले परिशेष कले उत्कल धाम यही जगन्नाथ स्वयं चिंता कले मुझे रही आ नीलमाधव रूप से अवस्थान करूली
ଏଇଥିପାଇଁ ରହିଥିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି ଜଗନ୍ନାଥ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଆମ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଇନ୍ନି ଶବ୍ଦଙ୍କ ସାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।